परंतु इसके अतिरिक्त पिछले एक साल में सड़क सुरक्षा से संबंधित समय समय पर अनेकों बैठकें डीएम साहब की अध्यक्षता में हुई है, जो ये दिखाता है कि जिला प्रशासन सड़क सुरक्षा में दुर्घटनाओं में कमी लाने में बहुत ही सिंसियर है, सीरियस है और संवेदनशील है। हम सब जान रहे हैं सड़क सुरक्षा का क्या महत्व है, एक छोटी सी गलती कई बार किसी व्यक्ति को जीवन से भी हाथ होना पड़ता है। उसमें युवा वर्ग को मैं विशेष रूप से अपील करूंगा कि वह ना केवल अपनी स्वयं की सुरक्षा जब भी वो दो पहिया या चार पहिया को ड्राइव करते हैं, बल्कि जब भी उनके घर से कोई उनके माता पिता या समाज के या उनके मोहल्ले में कोई भी व्यक्ति जब भी उसको वो देखे जो कि नियमों का पालन नहीं कर रहा, जैसे कि हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, तेज गति से साइकिल चला रहे हैं या सीट बेल्ट नहीं पहन रहे हैं, तो उनको वहीं पर टोके, प्यार से टोके, रिस्पेक्टफुली टोके, लेकिन हर बार टोके, क्योंकि बार बार जब कुताही होगी बार बार जब उनको ये चीज बताई जाएगी तो ये उनकी आदत में आ जाएगी। हम लोग देखते हैं कि अगर सड़क पर 100 दो पहिया वाहन चल रहे हैं तो उसमें 60% लोग ही हेलमेट पहन रहे हैं, वो 40% लोग हेलमेट नहीं पहन रहे। उसका कारण है कि स्वयं वो अपनी सुरक्षा के बारे में नहीं जान रहे हैं और उनके घर वाले या उनके बच्चे या उनके आस पड़ोस के लोग भी उनको नहीं टोक रहे। हो सकता है आपकी एक बार कुताही से आपकी एक बार उनको अच्छी चीज बताने में जीवन भर के लिए उनको एक शिक्षा मिल जाए और किसी दुर्घटना का वो शिकार हो। दूसरी चीज मैं एआरटीओ साहब और बाकी सबसे अनुरोध करूंगा कि अभी सर्दी का मौसम आ रहा है, धुंध बढ़ेगी, कोहरा बढ़ेगा। हमारे यहाँ पर चीनी मिल का संचालन होता है, उसमें ऑलरेडी गन्ना जो है ट्रैक्टर ट्रॉली से आने लगा है। आप इस बार ये प्रण लें, इस बार इस चीज की योजना बनाए, उसमें पुलिस विभाग आपका साथ देने के लिए तैयार है, उसको भी हमने निर्देश दिए हैं। और साथ में जो गन्ना विभाग है डीसीओ साहब है और चीनी मिल, आप चारों लोग बैठ के योजना बनाइए कि जितनी भी ट्रॉली जितने भी ट्रैक्टर ट्रॉली चीनी मिल में आ रहे हैं प्रत्येक दशा में उनके ऊपर रिफ्लेक्टर लगाया जाए और बड़ा रिफ्लेक्टर लगाया जाए, बिल्कुल छोटा सा लगाने से भी कई बार समस्या हल नहीं होती है। इसको आप